दोस्तों, सतत संघर्ष ऐसे लोगों की वास्तविक कहानी है जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष में शिक्षा को एक हथियार की तरह अपनाया और उदाहरण बन गए। इस डॉक्यू ड्रामा श्रृंखला में वास्तविक चरित्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी पेश की गई है। जंगल जन्म से मरण तक किसान मन के एक सहयोगी है। इसलिए हम सब सोचे कि जंगल अगर बर्बाद हो जाएगा तो कृषि का कोई सामान नहीं मिलेगा, इसलिए जंगल बचाना बहुत जरूरी है। पर हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई? सरकार का जंगल है, सरकार उसे कटवा रही है। और सुना है लाखों रुपया में ठेका दिया है, और चंदवा बता रहा था कि रांची का कोई गुलशन सेठ ने ठेका लिया है। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। सरकार या गुलशन सेठ तो यहाँ नहीं रहते, रहना तो यहाँ हमें है, इसलिए सोचना भी हमें ही पड़ेगा। अब सोचो, जंगल में पेड़ ना रहे तो क्या होगा? हमारा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हम तो उजड़ जाएंगे। जब करम पेड़ ही नहीं रहेगा तो करम पूजा कैसे होगी? और क्या, अभी मिलने में कितनी दिक्कत होती है, डाल लेने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है। हाँ, सीधा का पेड़ नहीं होगा तो शादी कैसे होगी? याद नहीं दसरा की शादी में चने कितनी दूर से लाए थे? लेकिन हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते? जंगल को काटने से रोक तो सकते हैं। और जो कट गया उसकी देखरेख करके बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ाने से क्या फायदा चाचा? ठीक है, हम मेहनत करके उन्हें फिर से बढ़ा देंगे, लेकिन वो लोग फिर से काट ले जाएंगे। सिमोन चाचा, आप तो 12 गांवों के पढ़ा राजा हैं, अगर आप उनसे बात करें तो? ये बाद की बात है, तुम लोग क्या बोलते हो? अगर सबकी राय हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, पर इसमें राय की क्या बात है? देखो, पेड़ हमारे जीवन से जुड़े हैं, ये बात तो सोले आने सच। हाँ। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा। और पेड़ खत्म तो आदिवासी खत्म, तो इसकी रक्षा करेंगे ना? पेड़ हम लोग काटेंगे और ना किसी को काटने देंगे। ये बात सही है। तीनों गांव का बैठ के विचार किए और हर गांव ने जंगल को रखवाली के शुरू किए। शुरू करने के बाद 3-4 साल के बाद ने कुछ कठिनाई तो जरूर हुआ, श्रमिक होकर रहे थे। शिकर बाद ने कभी परापारी में कौन घर का जाता है, कौन घर का नहीं जाता है, से चलते अपन अपन गाँव ने सोचे कि 3 ठो पहरा रखेंगे चाहे 2 ठो। रखने से उसको घर घर 20 पहला धान थमा दिए कि चंदा करके उसको साल में धान देना है, और जंगल ने कोई कटेगा उसको पकड़ना है और कमेटी ने खबर करना है।
अरे अरे सिमन चाचा आप बैठो। हाँ वो तालाब की ओर आया था। हाँ देखा तुम आग जला रहे हो तो बस आ गया। अरे अतवा हाँ आ बैठ। मेरे ख्याल से रात में तो पहरा देने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं चाचा कल रात में ही आए थे, 5-6 जने थे। मैंने आवाज लगाई तो भाग खड़े हुए। खक्सी टोली के तो नहीं थे? खक्सी के तो नहीं थे शायद, ऊपर की तरफ भागे थे। हाँ उधर ही तो गए। अरे हाँ चाचा एतवा कह रहा था कि कल ठेकेदार की गाड़ी आने वाली है। हाँ चाचा उसे कैसे रोकोगे जंगल काटने से? अब यही तो सोच रहा हूँ। बीडीओ के पास गया था, वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं। मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, एक कागज बना लें, मैं उसे लेकर रांची चला जाऊंगा। नहीं नहीं चाचा ये ठीक नहीं रहेगा। अब किसी को तो गांव में होना चाहिए ना। हाँ एक बुजुर्ग आदमी को तो होना जरूरी है। अब कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया तो कौन संभालेगा? तो तुम चले जाओ, पढ़े लिखे हो, बात कर लोगे। अरे चाचा इसीलिए तो कहता हूँ, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई सीख लेते तो बहुत अच्छा होता। हम तो बीए पास हैं। चाचा आवाज सुनी? तुम आवाज सुनी? हाँ लगता है आज फिर। चलो गांव में खबर करते हैं। चलो चलो। अरे बुधवा एक बार ठेकेदार से बहुत झगड़ा हुआ, फौजदारी हो गया, करसे करी मारपीट भी हुआ बहुत। उसी में करसे करी फोर्स वाला से भी केस करा करी हुआ। अरे खूब मजा आया। ये साला चोर लोग ट्रक लेकर आया था भाग गया। अरे मैं तो एक बार समझा गड्ढे में गिर जाएंगे पर निकाल ले गए। ये चोर लोग का ड्राइवर भी बहुत स्मार्ट होता है। पर हेतबा हाँ तुम अकेले उनके पीछे भाग लिए, अगर पकड़ कर ट्रक में बिठा लेते तो? अरे इतना हिम्मत थोड़ी ना है, साले को चबा करके मार डालते। अरे क्या मुझे लगता है सिमोन चाचा कल वाली बात करेंगे। और क्या नहीं ये तो इमरजेंसी घंटी है। चलो चलो जंगल में दौड़ते हैं। चलो 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 जंगल को ठेका काटा सरकार कर से करीब 3-4 एकड़ को। काटने के बाद वो का किया हम सब तो देखे, तो हम सबको कठिन हुआ तो पूरा गांव से समर्थन दिखाए तो हम पढ़ा के बुलाए 12 पढ़ा और 21 पढ़ा को, और सारा 80 गदा लकड़ी था उसको सारा लकड़ी हटवा दिए। हटवाने के बाद खास खास आदमी को केस हुआ गांव वाला को। अरे सिमन उराव का घर कहाँ है? अच्छा आओ जी आइए हुजूर चलिए। सिमन अरे ओ सिमन माँ अरे कहाँ गया रे? भाग तो नहीं गया हुजूर? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आने की? पीछे जाकर देखो, पीछे कोई दरवाजा वरवाजा तो नहीं है? क्या हुआ साहेब? क्या हुआ होइलो, इसको कुछ पता नहीं है। 80 गांठ लकड़ी गांव वालों में बांट दिया। तो ठेकेदार ने केस किया है, थाने चलना होगा। चलो ए भागने की कोशिश मत करना। भक्तक होने साहेब, मैं तो घर में अंदर बताने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। हुजूर आपने भी इसमें विश्वास कर लिया? अरे नहीं रे,
ये भागेगा नहीं। चलिए। अरे इनको क्यों ले जा रहे हो? इनका क्या कसूर है? ये क्या हो रहा है हुजूर? जल्दी चलिए, अधिवासियां सब जमा हो रहा है। ठीक है ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, तुम पर ठेकेदार के साथ मारपीट करने, उसका लकड़ी लूटने और सरकारी काम में दखल देने का आरोप है। कोर्ट में हाजिर हो जाना, नहीं तो घर की कुर्की जब्त हो जाएगी। कर लो कुर्की, हमें क्या डर है? हमने वो किया जो हमें सही लगा। हमारा जंगल उजाड़ के ठेकेदार ले जाएगा? जंगल हमारा है या ठेकेदार का? जंगल सरकार का है और सरकार ने उन्हें लाइसेंस दे रखा है। अच्छा, तो सीमोन चाचा जो कह रहे हैं वो गलत है? बांधो रे इस साले लोग, इस बार भी ठेकेदार के रुपये का, बांधो साले को। हुजूर, अरे जल्दी निकल चलिए, बसियन सब गरम हो रहा है। ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन कल थाने चले आना। कभी रांची तो कभी खुटी भी जाते थे केस में, मगर 40-47 में केस खत्म हो गया और वो पूरा गांव उसका देखभाल करते हैं। और अभी सारा जंगल को हम सरकार से बहुत अपील किए कि जब तक गांव को कमेटी को जंगल के नहीं दीजिएगा तो सरकार जंगल नहीं उगेगा। रांची ने ऑफिस है, एक बेड़ो ने है, और जंगल तो पूरा गांव-गांव ने है, तो यहाँ से पहरा तो नहीं कर सकता है। सेले जितना गांव का देखभाल करते हैं उतना सरकारी विभाग से नहीं होता है। सेले अगर उसे काम करना है, सहयोग करना है, तो गांव से मिल के वो अपना ड्यूटी पूरा करेगा, तब जंगल बचेगा। था क्या? मुझे क्या मालूम कौन आया कौन गया। देखो ऐसे नाराज नहीं होते, ये भी तो काम है ना, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाँ, पढ़ा राजा के तो अब यही काम रह गया है, जेल खटने का। ओहो, अब तुम ही सोचो, मेरे गिरफ्तार होने से कितना फायदा हुआ। हाँ, जैसे 100 बीघा जंगल तो हमारा ही नाम हो गया। क्यों, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? पानी, हवा, जंगल, भगवान की दी हुई ये चीजें किसी एक की हो सकती हैं क्या? ये सभी की रहें तो अच्छा है। तुमसे बातों में कोई जीत सकता है भला? कर्मा आया था और वो कह रहा था कि कल से नाले की खुदाई का काम शुरू करना है। सिमोन चाचा, अरे कर्मा, अभी मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। चाचा ये चिट्ठी आई है जीवर इंस्टीट्यूट रांची से। तो क्या लिखा है, पढ़ तो। नहीं नहीं चाचा, अब आपको अपनी पुरानी ये आदत बदलनी पड़ेगी। और क्या, मैं क्यों पढ़ूं, खुद ही पढ़ लो। रात रात भर छिप छिप कर बच्चों से पढ़ाई सीखते रहे और अब नहीं पढ़ेंगे क्या? ओहो, तुम लोग तो पीछे पड़ जाते हो, काम की बात बोलो ना। अब मेरे ना पढ़ने से कुछ काम अटकता है क्या? काम तो नहीं अटकता चाचा, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे होते तो काम और अच्छा हो जाता। क्यों चाची? इसमें लिखा है कि जेवियर समाज सेवा संस्थान के छात्र आपसे सार्वजनिक वन संरक्षण के बारे में जानकारी लेने आएंगे। है? यही लिखा है इसमें। तो अभी ये पढ़ाएंगे भी? हम सर्वे किए किधर पानी जाएगा नहीं जाएगा, कैसे नीचा ऊंचा का अंदाज करेंगे, कई किए, एक पत्ता तोड़ते तोड़ते हम उसको
लाइन कटवाने लगे झाड़ी को साफ करवाइए, उसी के लिए एक पत्ता यहाँ तोड़ दिए, एक बाद में लाइन देख के यहाँ तोड़े पीछा पहले यहाँ भी तोड़े यहाँ भी तोड़े यहाँ तक लेवल झाड़ी और जमीन का लेवल देखे और यहाँ तक गांव का श्रमदान से झाड़ी साफ करवाइए। लो खाना खाओ घर का और काम करो दूसरों का। दूसरों का कैसे? सिमोन चाचा बता रहे। हाँ, सिमोन चाचा के बिना तो कोई बात ही नहीं होती। तुम बेकार का गुस्सा करती हो। सिमोन चाचा बांध थोड़ी अपने लिए बना रहा है। वो तो ठीक है, पर तालाब के काम में मजदूरी तो मिलती थी और यहाँ पर तुम तो यही बात नहीं समझती हो ना। नाले का पानी दूसरों के काम में थोड़ी आएगा, नाले का पानी हमारा ही खेत में जाएगा। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिमोन चाचा को सरकार से रुपया मिला हो और वो हम लोगों से मुफ्त में शर्मदान करा रहे हो? दिमाग खराब है? सिमोन चाचा के बारे में ऐसा बोलते हो? ये राय हम गांव वालों ने मिलकर के किया कि दोनों नाला श्रमदान से करेंगे। तो तुम लोग करो ना श्रमदान, मुझे क्यों बुलाते हो? अब दोनों ही लोग फोकट में काम करेंगे तो रुपया क्या गाछ में फलेगा? 3 तारीख को पढ़ा जात्रा मेला है, कब से कह रही हूँ एक साड़ी खरीदूंगी। ओहो, तो तुम इसकी चिंता क्यों करती हो? करंज और महुआ जो बेच करके पैसा बैंक में रखा था उसे निकाल लेंगे। मैं जा रहा हूं, तुमको जाना हो तो आ जाना, बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अब तुम क्यों गुस्सा होते हो? मैं आती हूँ ना बर्तन बर्तन साफ करके। हाँ। 3 ठो बांध बांधे, पहला चुरिन तोप्पा कहते हैं ऊजा बांधे, सिकर बाद में ई जगह खरवा गढ़ा कहते हैं ऊजा बांधे, फिर सिकर बाद में गाय घाट ने बांधे, फिर जब बाद में ये झेरिया नाला कहते हैं इसको बांधे बरगी चौर जाने वाला, तब आखिरी ने बांधे हैं दिसवाली बांध। 5,500 फीट नहर कटाना पड़ा और कर से करीब 45 फीट बांध कच्चा बांध बांधे और कुछ के श्रमदान से बनाए हैं और कुछ गहरी फंड से बनाए हैं, तो लेकर से करीब 6 ठो बैंक से हम सब कर्जा भी लिए। जोसिंता, तुमने अपनी साड़ी नहीं दिख रही? देख लेना, जत्रा मेला में तो पहनूंगी ही। अरे नहीं नहीं, साड़ी दिखाने से मैली हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, मत दिखाना। बंदनी भाभी तो ऐसे कह रही हैं जैसे अपनी साड़ी पूरे गांव को दिखा चुकी हूँ, क्यों सिलिया? अरे मैंने कब मना किया है, जब चाहे देख लो। अरे छोड़ो ना, अब जात्रा मेला में ही देख लेंगे। अरे सोमवारी चाची, तुम किधर से आ रही हो? वो उधर बैठ तो ले गई थी, सोचो थोड़ा पत्ता दातुन ले चलो। तुम जल्दी घर चली जाओ, बाबा भी नहीं है, शहीद जत्रा टाना भगत की मूर्ति बन रही है ना, वही गए हैं। अरे उसका क्या, उसका तो घर में मन ही नहीं लगता, कभी इस गांव कभी उस गांव। कुछ भी कहो चाची, सिमोन चाचा ने जो कुछ किया है उससे हमारे लड़की का रूप ही बदल गया है। हाँ यही देखो ना, पहले तो जंगल से एक पत्ता या एक दातुन भी नहीं तोड़ सकते थे, फॉरेस्ट गार्ड ठेकेदार का मुंशी कैसे टांगी कुल्हाड़ी छीन लेते थे। हाँ ये तो है, अब जंगल हमारा है,
ए जोशिंता, उसे मत तोड़ो, वह भी बड़ा होगा। तुम्हारे चाचा ने यही तो सिखाया है, जंगल तभी हमारा होगा जब हम जंगल की अपने बच्चे की तरह से देखभाल करेंगे। जोशिंता, सुना है तुम सिस्टर बनने जा रही हो? चैरिटी समाज में आवेदन किया है, मदर थेरेसा की संस्था है, शायद एक महीने में कलकत्ता जाऊँ। चलो रे, तुम लोग चलती हो तो, मैं तो जा रही हूँ। चलो हम भी चलते। हाँ। उसमें अभी ईसा कमेटी से बांध बांधते हैं कि 61 ने शुरू किए, 70 ने निमराए, अभी तक वो बांध से जनता को 3 फसल हो रहा है कि धान का फसल 2 फसल होता है, 54 एकड़ में 2 फसल, सब्जी गेहूँ टमाटर ये सब मिलजुल के बहुत ही। चाची, संभाल के गिर जाएगा। कर्मा, तेरे चाचा ने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है। कौन सा काम चाची? अरे यही खेती की बटाई का काम। सच पूछो तो इन छोटे छोटे खेतों में हम जितनी मेहनत करते हैं उतना कुछ तो होता ही नहीं है। अरे नहीं नहीं चाची, अब बदल काम के साथ साथ हम लोग ये साग सब्जी भी तो उगा रहे हैं। अच्छा, सिंचाई की व्यवस्था होने के बाद खेती तो अच्छी हो रही है। ए एतवा, हाँ। आज तो तुम्हारे खेत में काम हो रहा है। हाँ। सोमवारी चाची, हाँ। कल आपके यहाँ है कुछ हड़िया वड़िया का इंतजाम किए हो कि नहीं? चाची एक मुर्गा भी रखना। अरे सब है। अरे अच्छा ये सब छोड़, ये बता कर्मा, तुमने जो बांधना को भेजा था, हाँ। वो रुपया रुपया देकर उसका क्या कोई फायदा हुआ? अरे लो सिमोन चाचा आ गए, इन्हीं से पूछ लो फायदा। सिमोन चाचा, इस बार तो पढ़ा जात्रा मेला जोरदार होना चाहिए। बिल्कुल, सब तैयारी चल रही है। मैंने कभी भी महत्व नहीं दिया, कितना कुछ किया है गांव के लिए, समाज के लिए, जंगल बचाया, तालाब और नहर बनाया, स्कूल खोले, लोग कितना मान देते हैं। बड़ा आदमी हो गया है पुतवा का बाबू, जाने क्या क्या छपता है, ये तो पढ़ भी नहीं सकते। काश मैं ही पढ़ पाती। बुधवार की माँ, अब सो जा, कल पढ़ा यात्रा मेला है। है 3 किलो का और अमेरिका से छाप को हमको ला के दिया और वो कहा कि हमको बहुत आपको धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दिए और हम बहुत डिग्री पाए। पढ़ा राजा होते हुए और सामाजिक होते हुए हरहंजी स्कूल, जमटुली स्कूल, बेड़ो हाई स्कूल, बरडीटाना स्कूल और दिग्या हाई स्कूल को हम बहुत कोशिश किए, रात को रात नहीं कहें, दिन के दिन नहीं कहें, और उसी को हम प्रचार कर रहे हैं कि बढ़िया से पढ़ो लिखो, एक दिन डिग्री करो तो आप झारखंड राज्य में अपना कुछ कुछ काम करो।